नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT सन 2021-22 तक समुद्रयान प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा। इस मिशन को अक्टूबर माह से शुरू किया जाएगा। इस मिशन के तहत गहरे महासागर में पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स एवं दुर्लभ खनिज का खोज एवं शोध कार्य किया जाएगा। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पायलट प्रोजेक्ट में गहरे महासागर में खोज कार्य के लिए 6,000 करोड़ रुपए व्यय करने की योजना बनाई गई है, जिसमें समुद्रयान प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने भारत को एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के लिए सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में 75,000 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र आवंटित किया है, जिसमें भारत पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स खनिज का खोज एवं शोध कार्य करेगा। सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में पॉलीमेटेलिक नूडल्स का अनुमानित संसाधन लगभग 380 मिलियन टन है, जिसमें 92.59 मिलियन टन मैग्नीज, 4.29 मिलियन टन तांबा, 4.7 मिलियन टन निकल, 0.55 मिलियन टन कोबाल्ट और बाकी के अन्य खनिज पदार्थ हैं। समुद्रयान प्रोजेक्ट इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट की तर्ज पर शुरू किया जाएगा। इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट के तहत सन 21-22 में मानव को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत एक स्वदेशी निर्मित सबमर्सिबल व्हीकल का विकास किया जाएगा। इस वाहन में 3 लोग सवार होकर समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। 6 किलोमीटर की गहराई में समुद्र तल पर 72 घंटे तक शोध कार्य करेंगे। यह कार्य राष्ट्रीय महासागर तकनीकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा किया जाएगा। यदि यह मिशन सफल रहता है तो भारत उन चुनिंदा विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जो गहरे सागर में खनिजों की खोज कार्य करते हैं। भारत इस कार्य को करने वाला विश्व का पहला विकासशील देश बन जाएगा, जो अब तक केवल विकसित देशों ने ही यह कार्य किया है। क्या आप जानते हैं समुद्र में सबसे गहराई तक जाने वाले मानव युक्त जहाज का नाम क्या है? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात, और जिनको नहीं मालूम उनको हम बता देते हैं कि समुद्र में सबसे गहराई तक जाने वाला जहाज ट्राइस्टे था। ट्राइस्टे एक स्विस डिजाइन वाला इटालियन निर्मित डीप डाइविंग रिसर्च बासित कैब था। ट्राइस्टे को स्विस वैज्ञानिक अगस्टी पिकार्ड द्वारा डिजाइन किया गया था और मूल रूप से इटली में बनाया गया था। ट्राइस्टे का संचालन फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया गया था। 23 जनवरी 1960 को ट्राइस्टे में 2 चालक दल सवार होकर महासागर के सबसे गहरे हिस्से चैलेंजर डीप में लगभग 10,911 मीटर यानी कि 35,797 फीट की अधिकतम गहराई तक गए थे। तो दोस्तों, आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ई नॉलेज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। धन्यवाद।